वेलकम बैक। आज कितने दिनों बाद व्लॉग वीडियो शूट कर रहे हैं। लास्ट हमारा जो व्लॉग था वो तब था जब हम मीट एंड ग्रीट के लिए बाहर गए थे। अब उसके बाद फाइनली टाइम निकाला है हमने साथ बाहर जाने का, तो एक महीने बाद ऑलमोस्ट हम साथ बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने। मैंने आपको बोला था ना गुड न्यूज़ है, चलो रास्ते में चलते चलते आपको बताते हैं क्या गुड न्यूज़ है। तो चलो निकलते हैं, हैप्पी व्लॉग। तो रेखा सरप्राइज ये देना चाहती है, बता दूँ क्या? रेखा सरप्राइज देना चाहती है कि मैं और रेखा हम कल दिल्ली पहुंच रहे हैं 9:30 बजे, और साथ ही साथ ये व्लॉग में रेखा अपनी सासू माँ के लिए करवा चौथ गिफ्ट ले रही है। वो गिफ्ट क्या है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या पसंद आता है रेखा को। रेखा की चॉइस मेरी मदर को पसंद आती है नहीं आती, आप लोग कमेंट करके गेस करके ज़रा बताना, क्योंकि आज मैं दिखाऊंगी तो नहीं कि मैं क्या ले रही, क्योंकि अभी दिखाऊंगी तो वो सस्पेंस टूट जाएगा और मैं सस्पेंस बनाए रखना चाहती हूँ। करवा चौथ वाले दिन ही सस्पेंस टूटेगा। तो हम लोग आ गए हैं इन्फिनिटी मॉल। इससे पहले हम ओबेरॉय गए थे, वहाँ कुछ पसंद नहीं आया, फिर हम कांदिवली गए, वहाँ कुछ पसंद नहीं आया, अब हम आ गए हैं इन्फिनिटी। इस बीच रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई क्योंकि गुस्सा ही आ रहा था यार, इतना हम लोग तब से घूम रहे हैं। और आपको पता है अभी 8 बज रहे हैं और मॉर्निंग 4 बजे हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। मॉर्निंग 7:30 बजे फ़्लाइट है, हमें वहाँ पहुँचना है। 7:20 की फ़्लाइट है, हमें वहाँ पहुँचना है 5:20 पर। तो 4 बजे निकलेंगे मतलब घर से? 4 बजे नहीं, 5:45 बजे। 5:45 बजे, हाँ, सुबह ट्रैफिक नहीं होता बहुत। और अभी तक पैकिंग भी नहीं की है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया हमें पैकिंग का, बहुत बिजी थे। अभी सब कैसे होगा राम जाने। घर वापस आ गई हूँ मैं, मॉल में कुछ खास पसंद आ नहीं रहा था और मूड बहुत ऑफ हो गया यार, कुछ पसंद ही नहीं आया। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, फिर भी मैंने ये रहा सामान मेरा, अभी मैं आपको दिखा दूँ खोल के, इतना टाइम है नहीं क्योंकि लेट हो जाऊँगी मैं। फिर अभी रात के 1 बज रहे हैं, हम दोनों को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग अपनी पैकिंग कर पाएँ। तो अभी रात के 1 बजे बिस्तर देख रहे हो आप लोग, नीचे सामान सब फैला हुआ है। 1 बज रहे हैं, पैकिंग अभी भी जारी है, 4:45 बजे यहाँ से निकलेंगे और फिर आगे व्लॉग बनाती हूँ। पहले थोड़ी सी पैकिंग कर लूँ, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँ, यानी पहले पैकिंग कर लूँ, थोड़ा सा सोएंगे, 1 आध घंटा सोने को मिलेगा हमें, उसके बाद तैयार हो जाऊँ। तो मतलब घर की अभी देखा जाए तो बैंड बज चुकी है, सारा सामान तितर बितर हो रखा है। तो ऐसा हर बार होता है जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ऐसा तो हो ही जाता है, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, दिल्ली जाएंगे, करवा चौथ मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, अभी मैं थोड़ी सी पैकिंग और करूँ। आप एक काम कीजिए, मॉल जाने से पहले जो मैंने वीडियो शूट किया था अपने मेकअप का वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? सॉरी फॉर ऑल दिस डिस्टर्बेंस यार, अभी मैं घर ठीक करके वीडियो व्लॉग बनाऊं इतना टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे, ठीक है? तो अभी आप वाला वीडियो देख लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपने आई ड्रॉपर से मेकअप करते हुए बहुत सारी फॉरनर लड़कियों को देखा होगा, तो आज उनसे इंस्पायर्ड होकर कुछ मेकअप करने वाले हैं। और आज का मेकअप स्पेशली टीनेजर्स, यंगस्टर्स, अनमैरिड गर्ल्स के लिए होने वाला है, क्योंकि ओवर मेकअप नहीं होगा, मीडियम टू लाइट मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले फेस मॉइस्चराइज करने के लिए फेस ऑयल लगाएंगे, जो अक्सर आपने देखा होगा लड़कियों को लगाते हुए, वो फेस ऑयल इसलिए लगाती है ताकि फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे। ये एंटी एजिंग वाला फेस ऑयल है जिसके अंदर सिल्वर लीव्स भी हैं और कमाल का मॉइस्चराइज करता है। इसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि डे का टाइम है, रात का टाइम है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। अगर आप छोटे हो, बड़े हो, कोई भी एज के हो, सनस्क्रीन लगाना तो मस्ट है क्योंकि सूरज की किरण ने आपकी स्किन को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। अब यहाँ पे मैं लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि फाउंडेशन बेस का है। प्राइमर लगाते हैं ताकि फेस पे जितने भी पोर्स गड्ढे हैं उन सबको ढक दे और फेस को स्मूथ सॉफ्ट बना दे। ये लगाने के बाद चेहरे पे मेरे हाथ कुछ फिसल से रहे हैं। फाउंडेशन के लिए ये वाला पैकेजिंग, आई मीन दिस फाउंडेशन इज जस्ट सुपर्ब। आई ड्रॉपर से लेकर के ज़रा सा 2 ड्रॉप मैंने लगा दिया है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। लग्जोरियस सा फाउंडेशन है पैकेजिंग वाइज, और एप्लीकेशन भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नैम पे ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन ब्लेंड करने का तो अलग ही मज़ा है। कंसीलर आप सारे डिस्कलरेशन वाले एरिया पे, डार्क स्पॉट्स पे लगा सकते हैं, ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये मेकअप मैं मोस्टली टीनेजर्स, यंगस्टर्स के लिए बता रही हूँ, तो कंसीलर लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोगों की स्किन तो वैसे ही नेचुरली बहुत फ्लॉलेस होती है। उसके बाद मेकअप को सेट करने के लिए कलर बार का ये वाला कॉम्पैक्ट मैं लगा रही हूँ।
तो कॉम्पैक्ट लगाने से आपका मेकअप सेट हो जाता है, मेकअप को एक अच्छा सा बेस मिलता है, पसीने नहीं आते हैं और मेकअप बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ। मैं कॉन्टोर करने वाली नहीं हूँ क्योंकि अगर आप यंगस्टर हैं, टीनेजर हैं, तो कॉन्टोर करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइट मेकअप ही रखने वाले हैं। बट थोड़ा सा नोज़ को मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। लिक्विड हाईलाइटर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं, ये भी ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नेचुरल ग्लो के लिए मैं यहाँ पर लिक्विड हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। कमाल का हाईलाइटर है, मैं इसे ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, मेरा मन करता है मैं इसको बार बार यूज़ करूँ। इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। वैसे आप लोग यंगस्टर हो तो नेचुरली ग्लो तो आप वैसे ही करते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप चाहो तो लगा सकते हो। लिप्स के लिए एकदम नेचुरल न्यूड सा पिंकिश न्यूड टोन मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस का। आईलाइनर लगाने के लिए मैं यहाँ लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि लिक्विड लाइनर बहुत अच्छे से लग जाता है और ज़्यादा ड्रामेटिक आईज़ नहीं किए मैंने, बहुत सिंपल सा आई लुक रखा है। मस्कारा लगा के अपनी आई लैशेज़ को और भी ज़्यादा बिग बोल्ड बना लेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए उन सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और क्योंकि चल रहा है अप टू 50% ऑफ, सारी चीज़ें आपको आधे प्राइस पर मिल जाएंगी, तो एक बार चेक करना ना भूलें, क्योंकि दिवाली और करवा चौथ स्पेशल वीडियो है और सेल आ रहा है, तो सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये वाला मेकअप लुक अनमैरिड गर्ल्स, टीनेजर्स, यंगस्टर, इनफैक्ट अगर आप मैरिड भी हैं तो करवा चौथ में दिन में डे मेकअप हम लाइट रखते हैं क्योंकि व्रत रखा होता है, तो इतना टाइम नहीं है कि हैवी मेकअप करें, और हैवी मेकअप रात को ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा करवा चौथ पे। तो करवा चौथ स्पेशल मेकअप सीरीज में ये एक और भाग है। अब करवा चौथ आ रहा है, मेकअप नहीं दिखाऊंगी तो क्या दिखाऊंगी। तो कैसा लगा आपको ये वाला मेकअप लुक, ज़रूर बताएं मुझे। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग भी सिर्फ एक घंटा सोए हैं पूरी रात, आपको मैं भी नींद बाकी है ना, नींद आ रही है। हमने सामान पैक कर लिया और टोटल हमारे 9 सामान हो रहे हैं। चलो फिर निकलते हैं, अभी हमारी कैब आने वाली है। 5 बज गए हैं, जो कैब हमने बुक की थी वो पता नहीं क्यों उसका कोई मैसेज आया ही नहीं, कि होता है ना कि एक हफ्ते पहले कैब बुक कर रखी है तो उनका मैसेज आता है कि हम आ रहे हैं, 10 मिनट पहले ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन आ जाता है, कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो प्रिंस अभी सुबह के 5 बजे गए हैं बाहर अब ऑटो ढूंढने के लिए। आज तो किस्मत में कैब था ही नहीं, सुबह से हम ऑटो में ही धक्के खा रहे हैं इधर उधर। अब होपफुली ऑटो ही मिल जाए, कैब तो हमें अब मिल नहीं रहा है। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग कैब्स नहीं मिलती क्या, पता नहीं, सुबह सुबह का पहला एक्सपीरियंस है ये मेरा। फाइनली ऐसे तैसे कैसे भी हमें एक कैब मिल गई है, उसका वेट कर रहे हैं, आ चुकी है कैब। अभी मैं गाड़ी में बैठ करके रखवाली करने वाली हूँ और प्रिंस 2-3 चक्कर काटने वाले हैं क्योंकि 9 बैग्स एक साथ एक बार में लेके आना इज़ नॉट पॉसिबल। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. मैडम ने अपग्रेड करे हैं। मैडम ने नहीं, सर ने किया है अपग्रेड। हाँ, नहीं तो तुमसे बहुत ज्यादा लेने अपग्रेड कर लेते हैं, उसमें बेनिफिट क्या है, फर्स्ट टाइम अपग्रेड किया हमने, अभी बाद में चलो बताना। यहाँ पुलिस को हो रहा है प्रिंस के ऊपर शक, तो उतरवा रही है उनके जूते। क्या छुपाए थे इन्होंने अपने जूते में, पूछती हूँ इनसे। वो देखते ही देखते प्रिंस जब जूते पहने लगे तो उनको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। अब क्या होने वाला है प्रिंस के साथ, ही क्या सीन हो रहा है। छुप ही गए हैं प्रिंस, आपको नजर आ रहे हैं कहाँ पे हैं वो। तो वो नजर आए प्रिंस अपना ढीला लड़ा टाइट करते हुए। ये लग रहा था ना वो पकड़ लिया मुझे। पुलिस वालों ने घेर लिया था प्रिंस को। मैंने बूट्स पहने थे ये देखिए। तो क्योंकि तुम्हारे बूट्स पे लोहा लगा हुआ है इसीलिए डिटेक्ट हो रहा था ना कि कुछ है लोहे का सामान। दूसरा DSLR कैमरा है, उसमें कैमरे का चार्जर है, मेरे पास 2 मोबाइल है उसका चार्जर है, रेखा का मोबाइल का चार्जर मेरे पास है, माइक है उसका चार्जर है, ट्राइपॉड स्टैंड है 2, उसका सब कुछ उसमें एल्युमिनियम स्टील आ जाता है तो सब कुछ निकालना पड़ता है, और लैपटॉप है उसको भी निकालो, फिर उसके बैग में भी है, सब कुछ निकालना पड़ता है। कपड़े उतरवा दिए, जूते, चप्पल, बस जीन्स रह गई। यार हमसे ज़्यादा सामान तो हमारा यूट्यूब का ही है यार, मतलब कैमरा, लैपटॉप, ट्राइपॉड, ये वो। मैं अपने आधे कपड़े लाई हूँ, आधे कपड़े नहीं लाई, हर बार होता है कि जब कपड़े तो पूरे पहन के आए हो ना। हाँ
लेकिन बैग में उतने कपड़े नहीं है जितने उचित। नाइटी मैंने ज़्यादा रख ली है और बाहर के कपड़े मैंने कम रखे हैं। हर बार होता है कि जब भी मैं जाती हूँ ना ट्रैवल पे तो मैं एक स्कार्फ और ऐसे जैकेट कुछ लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। मैं इस बार भूल गई, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम दोगे कुछ मुझे? अच्छा, कपड़े एक बात तो ये बता दो, हमारी टिकट नॉर्मल हमने एक महीने पहले बुकिंग करा रखी थी, तो जो काउंटर पे मैडम थी उन्होंने कहा कि आपकी सीट दोनों की एक साथ नहीं है, मतलब एक विंडो के बीच में कोई है, उसने बोला आपके बीच में कोई होगा। तो क्या हो, सेट में कर देंगे, मुझे पसंद नहीं हमारे पास। चाल होती है कि ताकि आप अपग्रेड करा ले, तो उन्होंने कहा सर आप पर पर्सन 1000 रुपीज आपको अपग्रेड करेंगे, उसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, और आपका सबसे आगे फर्स्ट रो में आपकी सीट होगी, विंडो होगी, साथ में होगी, आप टांगे फैला सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, उसमें कोई है नहीं। अब तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि जीजू पतले लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, क्या मैं मोटी हो गई? पतला लग रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है क्यों पतला लग रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। हाँ, बहुत जल्द आने वाली है, आई थिंक 1 तारीख या 2 तारीख को वीडियो आने वाली है, और कैसे मैं पतला हुआ और क्या है उसका राज। हाँ, क्या है ये इतना अलिफ लैला टाइप? अच्छा है ना बाबू, ठंड से बचूंगी मैं थोड़ा। बीच बीच में क्या करता रहता हूँ, नटकाट, इसीलिए मेरे गाल फूल रहे, तुम खींच खींच के फुला रहे हो। और मेरे थप्पड़ मार मार के पिचका दिया हो। 5 सालों में हम पहली बार जा रहे हैं 20 दिन के लिए दिल्ली, क्योंकि दिवाली भी है और करवा चौथ भी है, तो रेखा का करवा चौथ और मेरा करवा चौथ पहली बार दिल्ली में होगा मेरे घर पर, और दिवाली भी हमारी फर्स्ट टाइम होगी आई थिंक, है ना? हाँ, पहली दिवाली है। हाँ, पहली दिवाली है। हम प्लान कर रहे हैं कि मनाली चले, मुझे ठंड में मज़ा आता है पर ये लड़की मुझे बहुत ठंड लगती है, दिल्ली की ठंड में भी करती रहती है। अब देखते हैं क्योंकि नवंबर में तो बुरा हाल होता है, मतलब सर्दी अच्छी होती है, अब दिल्ली वालों के लिए क्या, दिल्ली की सर्दी तो अच्छी है पर मनाली सर्दी काफ़ी टफ है। 1 घंटे के लिए सोए हम लोग रात को, आँखें कितनी सूजी सूजी लग रही है। ये 7 बजने वाले हैं तो अभी दिखाते हैं बाहर सुबह सुबह की धूप। तो 1000 देके अपनी टिकट अपग्रेड करने का ये मिला हमें फ़ायदा, VIP ट्रीटमेंट। लाइन बहुत लंबी थी, बहुत सारे लोग थे, पर हम महाराजाओं की तरह पहले आके VIP ट्रीटमेंट। तो ये फ़ायदा मिला। मैं सोच रही थी, अब सोच रहे थे कि क्या लगा कि कोई आएगा बैग उठा के लेके जाएगा, तो बैग तो कोई उठाने आया नहीं, उसमें लिखा था कि बैग हैंडल भी करने को आता है, पता नहीं फर्स्ट बार हमने लिया है, चोचले होते हैं ये सब, बस हमने ले लिया क्योंकि सीट हमारी अलग अलग हो रही थी और हमें साथ ही बैठना था। बहुत ठंड लग रही है यार, बहुत ज़्यादा, मेरे को जुकाम हो जाएगा। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम लोग सबसे फर्स्ट सीट होती है ना वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ पैर रखने की कितनी ज़्यादा जगह मिल रही है, स्पेशियस है यहाँ पे, पैर आराम से फैला के बैठ सकते हैं, और निकलना हो तो गेट में सबसे पहले बाहर निकल सकते हैं। एयर हॉस्टेस को थोड़ा पास से देख सकते हैं। तो मुंबई से दिल्ली मेरे ससुराल जाने का सफर होता है यहाँ शुरू। पता है क्या मील हमें मिला यहाँ पे, 1000 का जो टिकट अपडेट किया था तो उसमें मील भी हमें साथ में था। प्रिंस ने ऐसा खोला चीनी कि चीनी चीनी हो गए हर जगह, शुगर ही शुगर फैला दी, और क्या खाना है। ये अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, प्लेन में फर्स्ट टाइम हमने खाना लिया है, नहीं तो हम हर बार घर से लेके जाते थे। और ये रही इनकी सूखी चिपकी चटनी। कैसी चटनी है यार ये, क्या अनबॉक्सिंग किया है चटनी का। ये चटनी है क्या, रायता फैला हुआ यहाँ तो। अभी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सांभर का, सांभर कम पानी यार, इससे अच्छा रेलवे में खाना मिलता है। ये वेज बिरयानी है जिसमें वेज के नाम पे सिर्फ 2 मटर दे रखे हैं। फाइनली थोड़ी बहुत नींद पूरी हो गई है हम दोनों की, अब वो लग रहा होगा हमारी आंखों से, और धूप दिल्ली की अच्छी लग रही है। चलो हमें ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि जाओ अंदर, खड़े मत रहो बाहर। मैं इधर
इधर हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो तुम मुझे? इधर हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? तो आ गए हम लोग फाइनली दिल्ली, चेक इन कर लिया। तुमने कैब बुक कर ली? कर लो अभी। तो ये रखे कदम हमने दिल्ली की धरती पे, स्वागत नहीं करोगे हमारा दिल्ली वालों? क्या हाल चाल है आप लोगों का? मौसम तो यहाँ काफ़ी गर्म लग रहा है मुंबई के कंपेयर में। तो अभी हम बुक करते हैं ओला या टैक्सी, देखते हैं क्या मिलता है और फिर चलते हैं अपने ससुराल। बड़ा सा गेट आप देख रहे हो, यहाँ गाड़ी रुक रही है। तो ये है हमारा दिल्ली का घर, मेरा ससुराल। आप देख सकते हैं हम दोनों की हालत कैसी हो गई है। इतनी बुरी क्यों हो गई इस बार? तो नींद पूरी ना होने के कारण हम लोग की हालत इतनी गंदी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदी मैम। तो ससुराल व्लॉग कल से मैं शूट करूँगी और कल से दिखाएंगे आज से ही। क्या हम देखते हैं कल से ना, कल आपको दिखाऊंगी पूरा ससुराल, सबसे मिलवाऊंगी। ठीक। हाय हाय, बी नेचुरल, बी नेचुरल, आप बोलो, बी नेचुरल, जोर से तो बोल दो, बी नेचुरल। तो कितने लोगों ने मेरे सैंडी और सिया को मिस किया। मैं जब भी आती हूँ मेरे ससुराल में, इन लोगों के साथ व्लॉग तो जरूर शूट करती हूँ। मैंने तो बहुत मिस किया आपको। आपने मेरे को मिस किया? Yes. तो अब इनके साथ मिलके धमा चौकड़ी मचाने वाले हैं हम लोग। आने वाले व्लॉग में आप देखोगे हमें एक साथ, है ना? मजा ही आएगा, है ना? मेरा पहला करवा चौथ होगा मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ के साथ। आई एम एक्साइटेड। कितनी कितनी लड़की एक्साइटेड है करवा चौथ के लिए? आप लोगों क्या एक्साइटेड? आप लोग एक्साइटेड हो करवा चौथ के लिए? Yes. करवा चौथ क्या है? नहीं, तो एक्साइटेड कैसे हो आप? पता नहीं। दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट बच्चे हैं ये दोनों, सबसे प्यारे, सबसे सोने मोने बच्चे। अभी तो देखो गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा। एक बार आने तो दो वापस मुझे मुंबई, बताती हूँ आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए घर। तो आ गई हूँ मैं मेरे ससुराल और हाँ मिली आपको तो पता ही है कि ये कौन है। आप कौन हो बाबू? मैं शंकर पूना। आप बाबू? सिया। अब बाबू? मैं प्रिंस। मेरी खा। वेलकम बैक टू बी नेशनल। हनी भी आ गया। हनी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ हनी। बात कर रहे फोन पे। छोटे चाचू। किससे बात कर रहे हो? हनी ने बहुत छोटे चाचू। खत्म करते हैं यार, हम लोग बहुत थक गए हैं। आज का पूरा दिन रिकॉर्ड करूंगी और कल पोस्ट करती हूँ। वीडियो लेट अपलोड करने का यही रीजन था कि ट्रैवल कर रही थी। मैंने कल आपको बोला था ना वीडियो लेट अपलोड हुई है क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे। बहुत हैक्टिक दिन था, बहुत हैक्टिक। पूरे दिन भर में हम सिर्फ एक ही घंटा सोए हैं और पूरी रात जगे हुए हैं। अभी भी हमें बहुत नींद आ रही है। तो चलो अभी आपसे बाद में मिलते हैं अगले व्लॉग वीडियो में। अभी व्लॉग वीडियो की सीरीज जारी रहेगी करवा चौथ सीरीज के साथ, क्योंकि मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ मेरा पहला करवा चौथ अपने ससुराल में। पका दिया इसने आप सबको। एक महीने से यही बोले जा रही है करवा चौथ करवा चौथ। ये क्रेज है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों में से कितने लोग को है? हालत तो खराब हो जाएगी ना, व्रत तो मुझे भी रखना पड़ता है। चलो बाय बाय। बी हेल्दी व्लॉग्स के ऊपर बेरोजगारी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली है। तो जितने भी बेरोजगार हैं या जॉब की तलाश में हैं वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें या फिर अपने यार दोस्तों में सेंड करें जिनको नौकरी की ज़रूरत है। आजकल ना आप लोग लाइक करना भूल रहे हो यार, कम ऑन लाइक तो करो अगर वीडियो पसंद आती हो तो। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।